प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की प्रस्तुत 12 मई 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15 से लेकर 22 तक और अध्याय 18 की पद संख्या 1 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथ ही उसे एथेंस ले गए और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और
विश्वासी बन गए। जैसे परिषद का सदस्य दियोनीसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में एथेंस नामक स्थान पर पौलुस द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस यूनानी दार्शनिक गैर यहूदियों के संदर्भ के अनुकूल एक प्रचार प्रवचन देते हैं। बहु देवताओं पर यूनानियों की श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में एक अज्ञात देवता के अभिलेख पर टिप्पणी करते हुए अपने को पौलुस उस अज्ञात ईश्वर का उपासक बताता है और सबके सृष्टिकर्ता एक ईश्वर पर विश्वास पर प्रकाश डालता है। अपने प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए वह घोषित करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता प्रभु हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता है। वह सब नश्वर प्राणियों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। स्तोइकों की धारणा से मेल खाते समान विचार को धर्म ग्रंथ की सच्चाई से उजागर करते हुए वह कहता है कि उसने एक ही मूल पुरुष से सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाकर उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह सब ईश्वर ने किया ताकि मनुष्य ईश्वर की खोज करें और संभवतः उसे प्राप्त करें। तब पौलुस उनके कवियों के एक ईश्वरवाद के कुछ सांकेतिक तत्वों को अपने प्रवचन में समाहित करते हुए स्पष्ट करता है कि वास्तव में ईश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है। उक्त सच्चाई की पुष्टि के लिए 6वीं सदी ईसा पूर्व के कवि एपिमेनेदेस के कथन का हवाला देते हुए कहता है कि उसी ईश्वर में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। 3री सदी ईसा पूर्व के कवि आरातुस की स्तोई की सदृश धारणा का उदाहरण देते हुए एक ईश्वरवाद पर बल देता है कि हम भी उसके वंशज हैं। तब उक्त उदाहरणों से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि ईश्वर किसी मूर्ति से सादृश्य नहीं रखता है। एक ईश्वरवाद की नींव डालने के बाद वह आगे अपना तर्क पेश करता है कि मनुष्य ईश्वर को उसकी सृष्टि के माध्यम से जान सकते थे, किंतु उन्होंने उसे नहीं जाना।
फिर भी ईश्वर अज्ञान के युगों का लेखा नहीं चाहता, परंतु अब वह चाहता है कि सर्वत्र सभी मनुष्य उसे जाने और उसकी ओर मुड़े, क्योंकि उसने एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति के द्वारा समस्त संसार का न्याय करने के लिए एक दिन निश्चित कर लिया है। न्याय करने वाले उस व्यक्ति को ईश्वर ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। उस व्यक्ति का पुनरुत्थान ईश्वर के न्याय करने संबंधी निश्चय का प्रमाण है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही श्रोतागण दखल देने शुरू कर देते हैं। इस कारण पौलुस उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर भी परिषद के कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं। परिषद में अपने प्रवचन के बाद पौलुस आथेन छोड़कर अखाइया की राजधानी कोरिंथ आता है और 1.5 वर्षों तक वहां वचन का प्रचार करता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि एक ही ईश्वर है और एक ईश्वर में 3 जन हैं। अतः उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जब हम पिता और पुत्र पर विश्वास करते हैं तो वे हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर देंगे। यीशु हमें स्वर्ग राज्य के बारे बहुत कुछ बतलाना चाहते थे, किंतु हमने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया एवं उनके वचनों को सुनने के लिए कान नहीं दिए। किंतु मसीह पवित्र आत्मा को हमारे बीच भेजा, जो हमें सत्य के बारे में और अधिक बतलाएंगे। हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों को पाने का मौका दिया जाएगा। परिषदें हम अपना हृदय खुला रखें। प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का 3रा जन है। उसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना हम उसकी ओर संकेत कर सकते हैं, क्योंकि वह ईश्वर है और वह बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से इस दुनिया और लोगों के हृदयों में काम करता है। जैसा कि ईसा मसीह इसराइल की संहिताओं के गुरु निकोदेमुस से संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:8 में कहते हैं, पवन जिधर चाहता है बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हम उसे जान सकते हैं, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वह उपस्थित रहता है जब कोई व्यक्ति ईश्वर के विषय में इस प्रकार बोलता है कि दूसरे ईश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार के खातिर अपनी जान दे देता है, जब कोई शांति और खुशी का अनुभव करता है, जब वह न्याय को समर्थन देता है, यह निस्वार्थ सेवा भाव अपनाकर दूसरों की सेवा में अपने आप को अर्पित करता है। वह वहाँ होता है जब दो व्यक्ति अपने आपसी झगड़े मिटाकर एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा की गई हानि की भरपाई करता है, जब घृणा से अभिभूत कोई व्यक्ति फिर से प्यार के मार्ग पर चलना शुरू करता है, जब स्वार्थ का अंधा कोई व्यक्ति अपनी आंखें खोल दूसरों की जरूरतों को देखने लगता है, वह वहां होता है जब कोई व्यक्ति जानवर और पेड़ पौधों, जल और वायु आदि ईश्वर की सृष्टि की चिंता करने लगता है। जो मनुष्य के कारण संकट में पड़ गया है, रोमियों के नाम
पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम संत अगस्तीन की तरह प्रार्थना करें और कहें, हे पावन आत्मा, मुझ में प्राण वायु फूंक दे, जिससे मैं अपने मन में अच्छे विचार लाऊं। हे पावन आत्मा, मुझे प्रेरित कर कि मैं भले काम कर सकूं। हे पावन आत्मा, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर कि मैं अच्छी चीजों को प्यार कर सकूं। हे पावन आत्मा, मुझे बल प्रदान कर कि मैं पवित्रता का परिपोषण कर सकूं। हे पावन आत्मा, मेरी ऐसी देखभाल कर कि मैं अपनी पवित्रता कभी ना खोऊं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, अपने पवित्र आत्मा को अपने विश्वासियों में भेज, उनके हृदय को आत्मा के सातों वरदानों से भर दे तथा उनमें प्यार की आग सुलगा दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके। धन्यवाद।